और मेरी कल्लो मेरी कल्लो कल्लो मेरी कल्लो कल्लो मेरी कल्लो कल्लो मेरी कल्लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों क्लास में बैग रख के ग्राउंड में आ जाओ प्रेयर के लिए। राम राम सर। ये क्या था? अरे ध्यान से आराम से आराम से। लगता है छुट्टियों में तुम रूल रेगुलेशन सारे भूल गए हो। पीछे में खड़े हो लाइन में। तो बच्चों कैसी रही स्कूल की छुट्टियां? स्कूल को मिस तो नहीं किया होगा तुम लोगों ने? बिल्कुल नहीं सर। अरे सर मतलब मिस तो बहुत किया हमने। हम घर में बैठ के ना मतलब बहुत बोर हो रहे थे तो इसलिए हमने सोचा कि मतलब अभी छुट्टियां खत्म हो गई तो हम स्कूल आ गए। वो तो बहुत भला हुआ दोस्तों से मिलने का मौका मिल गया। हाँ समझ गया समझ गया। सर मगर मैंने ज्योति को बहुत मिस किया। ज्योति को तूने क्यों मिस किया बे? वो क्या है ना प्लीज भाई, छुट्टियों से पहले ज्योति मेरा 10 रुपए वाला पेन ले गई थी और मुझे पेन की और ज्योति की दोनों की याद आ रही थी इसलिए मैंने ज्योति को बहुत मिस किया। कंजूस कहीं का। ए चुप करो बच्चे, शैतान कहीं के। अच्छा ये बताओ छुट्टियों में तुमने क्या क्या किया? मैडम मैं गोवा गया था घूमने। पर बोल कौन रहा है? मैडम नीचे तो देखो। तू तू कौन है? अरे मैडम वो ना ये मेरे छोटे वाले चाचा का लड़का है। शैतानी नहीं बेटे। तो ये मेरे छोटे वाले चाचा का बेटा ये ना बाहर गया था तो इसको ना इधर एडमिशन दिला रहा हूँ अपने स्कूल में। नहीं बेटे। अच्छा अच्छा वेरी नाइस, बहुत क्यूट है ये। कौन सी क्लास में एडमिशन दिला रहे हो? नर्सरी और केजी में तो सीट्स फुल है। अरे मैडम नर्सरी एलकेजी में क्यों लगा एडमिशन? नहीं है ये तो 12th क्लास में लगा। 12th में? नमस्ते भैया। अच्छा ठीक है बच्चों फिर आप लोग प्रेयर करो और अपनी क्लास में जाओ। हाँ सर वही कर रहे हैं। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। अबे खामोश। क्या बात, छुट्टियों में तू स्कूल की प्रेयर भी भूल गए? हाँ सर सर दूसरी बोल रहे हैं वो यार वो। हाँ इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गुड मॉर्निंग। 2 महीने की छुट्टी के बाद भी आज पहले दिन लेट आया, इसका तो मैं मोर बनाता हूँ। बच्चों तुम लोग सब अपनी अपनी क्लासों में जाओ, तेरे को तो मैं बताता हूँ जरा। चलो चलो तुम देख के आ रहे हो, तुम चलो अपनी अपनी क्लासों में चलो। तेरे लिए तो मैंने बहुत बढ़िया हथियार रखा हुआ है, ये देख। चल जरा सीधा हो जा, उल्टा हो जा, जल्दी जल्दी हो जा। लो मैडम जी हम जरा तुसी मारो नु, मैं जरा थक गया जरा। हाँ हाँ मैम मैं मारूंगी इसे, बहुत दिन से ना वैसे भी किसी बच्चे को नहीं मारा। मैडम रुको ना, मैडम मैडम भूख लग रही है मैडम, ज्यादा मारो तो मेरी तो मोटी निकल जाएगी। भाई लगता है गुड्डू को ज्यादा ही नाश्ता मिल गया सर से। हैं वाओ गुड्डू को नाश्ता मिल रहा है, मैं भी नाश्ता खाऊंगा। क्या मिल रहा है नाश्ते में? नाश्ते में जलेबी मिल रही है। जलेबी? जलेबी? जलेबी तो मेरी फेवरेट है, हट पतले लड़के मेरे को जलेबी खानी है। भाई लगता है बहुत पिट के आएगा सर से। तुम लोगों ने मेरे को दूध बोला कि सर खाना दिला रहे हैं। ऐसे नहीं होते, खाने के नाम पे उन्होंने मुझे बहुत माला। तुम लोग बहुत धंधे हो। ठीक है बैलेंस बैठ जाओ आप। अरे भाई ये हमारे चाचा का लड़का, मुझे पता नहीं था। अरे तुझे कैसे पता होगा, ये तो गायब था। गायब? दादू इसके बाद दादू ही शक्तियाँ है। अरे चुप करो, मेरा मतलब ये गोवा गया हुआ था इसके पापा के साथ घूमने, है ना, मजा आया ना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बैठ अपनी सीट पे। और बच्चों आज बच्चे सारे बड़े क्यूट लग रहे हैं। सर आप भी बहुत क्यूट लग रहे हो। थैंक यू बेटा। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, स्कूल के किसी टीचर से ट्यूशन मत रखवाना,
ट्यूशन रखवाना तुम मेरे से, क्योंकि मैं कम पैसे में तुम्हें ज्यादा पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय। और गुड्डू नाश्ता पानी चाहिए तो आ जाना बाहर, ठीक है? नहीं सर, पेट भर गया। तो दोस्तों क्या सोचा, सर के पास ट्यूशन पढ़ेंगे हम लोग? सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मैंने सुना है ना, ये सर तो सबसे गंदा पढ़ाते हैं। अच्छा, बोलती तुम कितनी समझदार हो यार। लेकिन मैं तो इन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ती हूँ। ओ अब मैं समझी, इसीलिए तुम्हारे नंबर नहीं आते। तो बच्चों मैं आपको ये कहने आई थी कि स्कूल के किसी भी टीचर के पास ट्यूशन मत लगवाना, सिर्फ मेरे पास लगवाना। और जो भी मेरे पास ट्यूशन लगवाएगा उसे रोज मैं 2 रुपए वाली चॉकलेट दूंगी। चॉकलेट मिलेगी? मैं तो ट्यूशन लगवा रहा हूँ मैम आपसे, मेरा नाम लिख लेना आप। ओके स्टूडेंट, जिसे भी ट्यूशन लगवानी हो वो मेरे पास आ जाना और मुझे बता देना। इस क्लास का बच्चों को लूटूंगा। अरे सर आगे, सर आगे। हेलो बच्चों, मैं तुम्हारा मैथ वाला टीचर। हाँ मैं ये कह रहा था कि बेटा मेरे पास ट्यूशन लगवाओ, बहुत फायदे होंगे इसके। अरे सर हर कोई बोला फायदा होगा फायदा होगा, आखिर क्या फायदा होगा हमारा? वो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा बच्चों। अरे सर हमें नहीं चाहिए चॉकलेट, वो तो मैडम भी दे रही थी, आप क्या दे रहे हो ना? अच्छा मैडम दे रही चॉकलेट, बढ़िया। हाँ हाँ मैं बहुत बड़ा फायदा कराऊंगा तुम बच्चों का। तुम बच्चों को 12वीं में बिना एग्जाम दिए मैं पास करवा दूंगा। बस करो बच्चों, बस करो, जल्दी से नाम लिखवा दो, नाम जो है नाम लिखो। तू क्यों जा रहा है यहाँ पे? तू तो चॉकलेट वाली मैडम के पास जा रहा था। चॉकलेट गई बाहर में, यहाँ पे 12th पास करनी है। मैं। सबके नाम लिख दिया, पेटीएम कर देना। बाय 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 सर, बाय बाय। यार सर कितने अच्छे हैं, हमें 12th में फ्री में पास करवा रहे, पेपर भी नहीं देने हैं। ओए प्रिंस, तुमने ध्यान से सुना सर ने क्या बोला? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। यस तुमने सुना? नहीं। फेलिस तुमने तो सुना होगा। सर कह रहे थे कि हम सबको 12th में पास कर देंगे। पर पागल, हम तो 9th क्लास में हैं। इसका मतलब सर ने हमें टोपी पहना दी पागल। अरे यार बहुत बुरा हुआ हमारे साथ ये तो। मैं नहीं पढ़ूंगा इस स्कूल में। बेटे तेरी तो आज एडमिशन हुई, क्यों नहीं पढ़ेगा? ठीक है भैया, ये लंथ ब्रेक तब होगा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है भैया, अब बैठा भी नहीं जा रहा भूखे पेट। अबे बाहर लंगर लगा हुआ है, जाके खा ले। है बाहर लंगर लगा हुआ है? पर किस बात का लंगर है? अरे गांधी जी का जन्मदिन है इसलिए लंगर लगा हुआ, वो 2 जनवरी है ना इसलिए। है मैं लंगर अभी खाने जा रहा हूँ, हट पतले लड़ते। बहन जी बच्चे का ट्यूशन मेरे पास लगवाओ ना, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। लंदर ता लदा है, लंदर ता लगा है, आज 2 जनवरी है, गांधी जी का बर्थडे है, लंदर मिलेदा, लंदर ता लदा है, लंगर कहाँ लगा है, लंगर कहाँ लगा। ओए तू कहाँ जा रहा है? सर मैं तो लंदर थाने जा रहा हूँ, वैसे लंदर ता लदा है सर। अरे सर आज 2 जनवरी है, गांधी जी का जन्मदिन है और आज के दिन लंदर मिलेगा, वैसे बताओ ना सर ता लगा है लंदर? हाँ मुझे पता है आप इसलिए नहीं बता रहे, खुद खा के मोटे हो जाओगे लंदर। हाँ बताओ ना सर कहाँ लदा है लंदर? अब इधर मेरे पास सर लंदर, जल्दी मुझे मीठा मीठा लंदर दो सर। आओ सर चलो मेरे साथ चलो। आ मैं तुमको लंगर देता हूँ, मीठा मीठा लंगर ना, मीठा मीठा लंगर, लंगर मीठा मीठा, इधर आ मीठा लंगर देता हूँ। चल लंदर, चल मुझे सब झूठ बोलते हैं, यहाँ तो ही लंदर नहीं लगाता। तो बच्चों मैं आपको ये बताने आई थी। अरे देखो मैडम हमें पता आप क्या कहना चाहते हो, यही ना कि बाकी टीचर के बहकावे में मत आना, हमारे पास ट्यूशन पढ़ना, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं चॉकलेट दूंगा। नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, आप जा सकते हो। बच्चों मैं तो आपको ये बताने आई थी कि आपका ब्रेक टाइम हो गया है। अबे यार सारे झूले ना इन्होंने बुक कर रखे हैं, हमें तो एक भी झूला नहीं मिल रहा। मुझे क्यों लाए स्कूल में, मुझे नहीं पढ़ना स्कूल में। अरे तुझे क्यों नहीं पढ़ना, आज ही तो एडमिशन हुई है बेटे, ऐसे नहीं बोलते। मुझे नहीं पढ़ना यार। अरे पढ़ ले बेटे, ऐसे नहीं करते, ठीक है? ठीक है। देखो उई अब मैं नया झूला दूंगा, चलो।
अरे वो झूला खाली हो गया, चल। अबे यार झूला बुक हो गया, अब क्या करें? अरे भाई साहब ये वाला झूला दे दो थोड़ा। चला गया यहाँ से, नहीं तो बहुत पिटेगा। ओ यार इस दूल्हे से मन भर दिया, एक काम करता हूँ दूसरे दूल्हे पे तलता हूँ। नहीं यार इतने भी दर्द होगी, दूसरा दूल्हा तुलता हूँ। मेरे को वाला दूल्हा दे। अरे मेरी कन्नो! नहीं यार इसमें मेहनत ज्यादा है, दूसरे दूल्हे पे तलता हूँ। मेरे को दूल्हा दे। ये बढ़िया है। और नपचड़ी कैसी है? चली गई। चलो बच्चों ब्रेक टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। अरे रिंकी तुम्हें पता है मैं जब दुबई गया था ना, वहाँ मुझे बहुत मजा आया था। ये सुन के नहीं रहे उनको, तो मैं बताता हूँ अभी। और भाई क्या हाल है? अरे बुआ जी को नमस्ते जरूर बोलना, ठीक है? मास्टर को नमस्ते कहना। नमस्ते सर। अरे नलायक ये कौन सा बच्चे बिना यूनिफॉर्म के? सर ये तो एड्रेस पूछ रहे, मुझे कह रहे कि वो सरकारी स्कूल में जाना उन्हें। अबे तो एड्रेस पूछ रहे तो यहाँ स्कूल में आने की क्या जरूरत है इनको? सॉरी सर वो बुआ का लड़का आया हुआ था। चलो ब्रेक टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। अच्छा सर हमें झूला झूलने में बहुत मजा आ रहा है, आओ ना आप भी हमारे साथ झूला झूलो ना सर, आओ। मजा आ रहा है? अभी तुम्हारे को मजा दिलाता हूँ। ए चलो सर। सर तो बहुत मार रहे हैं, मतलब हमें भी मार पड़ेगी भाई। लाला नीचे छुप जाता हूँ और सर मुझे मारेंगे। मैं तो बताऊंगा सर को। मत बताना, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। अच्छा 20 रुपए दोगे? तेरे को अलग से निमंत्रण पत्र लिख के दूं क्या? अरे सर मैं तो अभी जा रहा था सर। क्या जा रहा था तू? चल क्लास में, और तो कोई नहीं बचा यहाँ पे। दोस्त ना रहा। अच्छा तो तू रह गया है, है? चल क्लास में। मुझे बहुत दुख हुआ ना, तुम्हें मार पड़ी इसलिए रो रहा हूँ। चाल तेरे लिए बेटा। हाँ सॉरी पैरे। बच्चों तो अब तुम्हारा टाइम शुरू हो गया पढ़ाई का, और देखते हैं तुमने छुट्टी में कितनी पढ़ाई लिखाई की है। हाँ सर हमने बहुत पढ़ाई की है छुट्टियों में। हाँ तो बच्चों सवाल ये है कि एक तोता 12 में से 6 केले खा गया। अरे सर 6 केले बच्चे, 6 केले। हाँ तो बच्चों 12 में से 6 केले खा गया, तो बाकी कितने सेब बचे? सेब बचे? पर सर तोते ने तो केले खाया ना, सेब कैसे बचे? मुझसे जबान लड़ाती है? हाथ ऊपर करके खड़ी हो जा। इस सवाल का जवाब कौन देगा? कौन देगा? हाँ पुनीत तू खड़ा हो जा। हाँ तो बता बाकी कितने अंगूर बचे? सर पर आपने तो सेब बोला था। मेरे साथ जमा लगा था, हाथ में खड़ा जा। इसका जवाब है 3 संतरे बचे। अगला सवाल बता, 2 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं सर। 7? हाँ ये देखा कितना सही आंसर दिया है, ये होता है मेरे पास ट्यूशन पढ़ने का। वो तो सही बेटा, वेरी गुड, गुड बॉय, वेरी इंटेलिजेंट, बैठ जाओ। अभी इसने गलत जवाब दिया, सर ने कैसे बिठा दिया? अरे यश इसने तो गलत आंसर दिया, इसे बिठा कैसे दिया सर ने? अरे ये सर के पास ट्यूशन पढ़ता है ना। हाँ तो प्रिंस अब तू खड़ा जा। सर सर मेरे से ना आसान सवाल पूछना। हाँ हाँ आसान ही पूछूंगा। मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने पानी लिया और पानी पी लिया, बता मेरे पास कितने पैसे बचे? कहां से आ गए बीच में आइडिया? सर सर आपके पास 2000 बचे जो मैं आपको अभी ट्यूशन की एडवांस फीस दूंगा। अरे हाँ विमल सही जवाब, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट बॉय, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड प्रिंस बेटा, वेरी गुड शाबाश। अच्छा पैसे शाबाश बेटा शाबाश, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड शाबाश। हाँ तो बेटा और किसी को ट्यूशन लगवानी हो तो बेटा मेरे को बता देना, ठीक है? ओके सर। आप थोड़ा बाहर आइए, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। हाँ हाँ मैम क्यों नहीं, ठीक है बच्चों ओके। अरे सर मुझे पता चला है पास वाले स्कूल के बच्चे बहुत ही होनहार हैं, गोल्ड मेडल लाए हैं, और हमें भी हमारे स्कूल से गोल्ड मेडल चाहिए।
पर मिसेस वर्मा हम गोल्ड मेडल लाएंगे कैसे? सर एक आइडिया है, हम ना एक कंपटीशन रखते हैं जिससे पता चलेगा हर बच्चे में क्या हुनर है। तो बच्चों हम हमारे स्कूल में एक कंपटीशन रख रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा हमारे बच्चे कितने होनहार हैं। तो सभी बच्चे अभी ग्राउंड में चलेंगे और अपना टैलेंट दिखाएंगे। अरे चुप करो बच्चा, चुप करो, चलो शुरू हो जाओ अपना टैलेंट दिखाने के लिए। सर मेरे अंदर एक बहुत बढ़िया टैलेंट है, मैं दिन में 10-15 बाल खा सकता हूँ और 20-30 बाल पोती तल सकता हूँ। आप बोलो तो मैं यहाँ तलते देता हूँ। सर अबे चुप कर, नलायक कहीं का पोती आती है तेरे को बार बार, चुप। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा नलायक है। नेक्स्ट मैम, मेरे अंदर भी एक टैलेंट है, मैं ना स्कूल से बंक मार सकती हूँ। अरे वाह, ये भी क्या टैलेंट हुआ, चल मुर्गे बन जा तू। सर मेरे में भी टैलेंट है, मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ूंगा। वाव, ये है टैलेंट, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट बच्चा। वेरी नाइस गर्ल। सर आपने इसे कहा वेरी नाइस गर्ल, और किसी के पास भी तो ट्यूशन पढ़ सकते हैं, जरूरी थोड़ी है आपके पास पढ़ना। अरे बेटा मेरे पालने में और दूसरे पालने में बड़ा फर्क है। ओ, मेरे मतलब कि मेरे पढ़ाने और दूसरे के पढ़ाने में बहुत फर्क है। तू बड़ी बातों की ऐसी तैसी कर रहा है, चल तू खड़ा जा। बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू। जी जी सर पूछिए। हाँ तो तू बता तेरे में क्या टैलेंट है, तू सब पे बड़ा हंस रहा है। हाँ सर टैलेंट है मेरे में, हाँ मेरे में पता क्या टैलेंट है, मैं कुछ बोलूंगा सारे बच्चे बाहर भाग जाएंगे। अच्छा तो भगा के दिखा। बाहर लंगर लगा हुआ। कोई नहीं गया। अभी बोलता हूँ फिर से, मटर पनीर और जलेबी मिल रही बाहर। अबे सारे बच्चे भाग गए। प्रिंस तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, सारे बच्चे भगा दिए। सर मेरी क्या गलती सर, सारे भाग गए तो। अरे तेरी वजह से सारे बच्चे भाग गए। अरे सर मेरी क्या गलती। सर उनके बैग तो अंदर है, जब तक वो नहीं आती इसकी धुलाई करो। हाँ यही रहेगा। भैया ने दूध बोला, दही अंदर नहीं लदा हुआ था, भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया, भैया बहुत धंधे हैं। अरे भैया तू माल भूल गया। Blur face. तो गाइस जिसे इसे पार्ट टू चाहिए जल्दी से जाके कमेंट करो, जितने ज्यादा कमेंट होंगे पार्ट टू के लिए पार्ट टू उतने जल्दी आएगा, तो जल्दी से जाके कमेंट करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं कोई एम नहीं रख रहा हूँ लाइक का, लेकिन बहुत सारे लाइक कर दो, जल्द से लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो, तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ वीडियो के अपडेट देता रहता हूँ। तो जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कमेंट करो जल्दी से पार्ट टू के लिए। बाय।